सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैपिंग इन रिएक्ट जेएस। सो पिछले वीडियो में हमने किया था, एक एपीआई कॉल की थी जिसमें हमने ये यूजर्स की लिस्ट मंगाई थी। सो यूजर की लिस्ट के सक्सेस में हमने किया था रेस्पॉन्स डॉट डेटा को कंसोल किया था, और जो एरर आ रही थी उस केस में हमने समथिंग वेंट रॉन्ग का ही कलर शो किया था। सो अभी कंसोल पर चल के देखते हैं कि ये क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। सो ये एपीआई तब कॉल होगी जब हम यूजर्स वाले कंपोनेंट पे जाएंगे। सो यूजर्स के कंपोनेंट पे जाने के लिए हमने राउटिंग लिखी हुई है ऐप जेएस पे। सो ऐप जेएस पे हमने लिखा था स्लैश, अगर पाथ होगा हमारा स्लैश यूजर्स तो यूजर्स वाला कंपोनेंट एलिमेंट कॉल होगा। इसमें हम करते हैं स्लैश यूजर्स एंटर, तो अभी हमें मैसेज मिला के सक्सेस, यानी एपीआई सक्सेसफुली कॉल हुई और हमारे पास डेटा आ गया। तो ये कैसे हुआ, स्लैश यूजर्स वाले पे हम गए, उसके बाद हम यूजर्स का कंपोनेंट कॉल किया। सो कंपोनेंट्स के अंदर ये यूजर्स वाला कंपोनेंट है, तो ये हमारा यूजर्स कंपोनेंट था। अभी इस यूजर्स कंपोनेंट में क्या होता है, सिंपल ये फंक्शन होता है। सो इस फंक्शन के रिटर्न में जो होता है ये होता है यूआई पे जो दिखेगा, इतना पार्ट रिटर्न के बाद का। उसके पहले का ये सब लॉजिक होता है, अगर हमें कोई एपीआई कॉल करनी है या फिर हमें कोई भी लॉजिक लिखना होता है वो हम इसके ऊपर लिखते हैं रिटर्न के जस्ट अबव। सो इस यूज इफेक्ट में हमने क्या किया था, एक लिया था हमने सिंपल फंक्शन और दूसरा एक एम्प्टी एरे। सो एम्प्टी एरे का मतलब होता है कि जब भी ये कंपोनेंट कॉल होगा तो फर्स्ट टाइम ये फंक्शन चलेगा। सो इस फंक्शन के अंदर हमने लिखा हुआ कि एपीआई कॉल। सो जैसे ही हम इस कंपोनेंट पाएंगे सबसे पहले हमारा एक एपीआई कॉल होगा और जो हमें यूजर्स की लिस्ट लेके आएगा। सो उस डेटा के अंदर हमारे पास 6 यूजर्स थे जिनका आईडी, ईमेल और फर्स्ट नेम थे। सो हमें क्या करना है, इन सबके जो ईमेल हैं ये यूआई पे हमें डिस्प्ले करने हैं, लिस्ट ऑफ यूजर्स ईमेल सपोज हमें शो करने हैं। सो ये शो करने के लिए मतलब हमें ये जो एरे है इसके ऊपर लूप चलाना होगा वन बाय वन। सो किसी भी एरे पे जब हम लूप चलाते हैं तो सिंपली उसके लिए हम मैप यूज करते हैं। ओके, सो ये कर्ली ब्रैकेट्स लिखने का मतलब होता है कि इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या किया, एपीआई कॉल की। इस एपीआई कॉल के अंदर हमें रेस्पॉन्स डेटा मिला। सो इस रेस्पॉन्स डेटा को हम कहीं सेव करेंगे। सो सेव करने के लिए लोकली हम क्या यूज करते हैं, यूज स्टेट। सो इनिशियली हमारे पास जो डेटा रहेगा उसको हम बोल रहे हैं एम्प्टी एरे। और दो ये हमको दो चीजें और रिटर्न करता है, एक डेटा कॉमा सेट डेटा, ये होता है वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू ये है, मतलब ये कुछ इस तरह से डेटा इक्वल एम्प्टी एरे। सो ये डेटा इक्वल एम्प्टी एरे और सेट डेटा एक फंक्शन हमें मिलता है जिसकी हेल्प से हम इस वाले एरे को चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ कंसोल करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेट डेटा फंक्शन को कॉल करता हूँ और इस फंक्शन को जो भी वैल्यू मैं पास करूंगा वो इस एरे में सेट हो जाएगी। सो मुझे क्या पास करना है, रेस्पॉन्स डॉट डेटा, यानी जो भी मुझे एपीआई कॉल में मिलेगा, जो रेस्पॉन्स डेटा जो मैं यहाँ प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, रेस्पॉन्स डेटा के अंदर भी ये है डॉट डेटा, ये मेरा एरे हो जाएगा। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा। सो अभी इसके अंदर कुछ ये वाला डेटा आ जाएगा। सो ये वाला डेटा आ जाएगा तो पहला एलिमेंट क्या होगा, आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, ये सब चीजें हमारे पास आने लगेंगी। तो अभी मैं इस वाले डेटा के ऊपर मैप चला सकता हूँ। सो डेटा डॉट मैप, मैप एक फंक्शन होता है। सो मैप के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं जो कि कुछ ऐसा होता है। इस मैप के अंदर मैं एक एक आइटम लेता हूँ, कॉमा इंडेक्स लेता हूँ और मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। अब आइटम का मतलब होता है हर एक आइटम वन बाय वन, सो पहले जीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री। तो मुझे पहले वाला जो जीरो वाला आइटम है इसका मुझे क्या चाहिए, ईमेल, यानी पहले आइटम का ईमेल चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा आइटम डॉट ई।
रिटर्न डेटा डॉट मैप रिटर्न आइटम डॉट ईमेल। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं फाइल डिलीट है। डेटा डॉट मैप, अच्छा ये डेटा हमें तब तक नहीं चलाना होता जब तक डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो ना हो जाए। डेटा डॉट मैप आइटम को इंडेक्स रिटर्न आइटम डॉट ईमेल, इसको मैं ऐसे रिटर्न करूंगा पैराग्राफ की फॉर्मेट में रख लेते हैं। आइटम डॉट ईमेल, ओह ये यूज स्टेट गलत जगह से इंपोर्ट हो गया से चले। तो अभी ये सारे ईमेल्स वन बाय वन शो हो गए। तो ऐसे मैपिंग करते हैं, अगर मुझे शो करने होते आईडी तो मैं हर एक आइटम की आईडी ले लेता आइटम डॉट आईडी। ओके 1 2 3 4 5 सो आईडी आ गई। तो अगर मैं डेटा के अंदर जाके देखूं तो यहाँ पे आईडी है, ईमेल है और फर्स्ट नेम है। अगर मैं फर्स्ट नेम शो करना चाहूँ तो फर्स्ट नेम भी शो कर सकता हूँ, फर्स्ट नेम शो हो गए। अभी मैंने क्या किया था, पैराग्राफ बनाए थे तो पैराग्राफ में नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में जाता। अगर मैं इसको कर दूंगा स्पैन तो एक के बाद एक ही शो हो जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट। जॉर्ज तो मैं हर एक नाम के बाद कॉमा लगाऊंगा, कॉमा के साथ ये लिस्ट ऑफ यूजर्स ईमेल आ गया। तो इस तरह से हम मैपिंग करते हैं, सो किसी भी एरे के अंदर से हम आईडी ईमेल जनरल डेटा हमें ऐसे ही मिलता है एपीआई से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। सो ये जो हम एपीआई कॉल कर रहे हैं ये उसी फॉर्मेट में हमें डेटा दे रही है। सो हम करते फॉलो क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं किसी अगर हमें लिस्ट शो करनी होती है सबसे पहले इस राउट पे हम जाएंगे जो भी कंपोनेंट हमने कॉल किया। सो इसका ये कंपोनेंट क्या हुआ, ये कंपोनेंट एक फंक्शन होगा। इस फंक्शन के अंदर हम एक यूज इफेक्ट लगाएंगे विद एम्प्टी एरे। अगर क्लास कंपोनेंट्स होते तो उसमें हम लगाते थे कंपोनेंट डिडमाउंट, सो इसमें कंपोनेंट डिडमाउंट नहीं होता है, इसमें यूज इफेक्ट होता है विद एम्प्टी एरे। इसके अंदर हम ये एपीआई कॉल लगाएंगे, सो एपीआई कॉल हम ऐसे लगाते हैं एक्सियोस की हेल्प से। एक्सियोस डॉट गेट की एपीआई थी ये सिंपल, तो यूआरएल पास किया और हमें एक रेस्पॉन्स मिला। पहले हम उस रेस्पॉन्स को कंसोल करके देख लेते हैं कि वो रेस्पॉन्स आ क्या रहा है। सो हमने आरईएस जो हमारा रेस्पॉन्स था उसके अंदर डेटा को निकाला, तो उस डेटा के अंदर सब कुछ आ रहा था, पेज पर पेज टोटल टोटल पेजेस और एक्चुअल डेटा। सो उसके अंदर से हमें एक्चुअल डेटा को हमने फेच किया। तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा कंसोल किया, रेस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर डेटा था। सो इस डेटा को हमने अपने स्टेट में सेट कर लिया क्योंकि हमें ये वाले जो डेटा के अंदर ये 6 यूजर्स आ रहे हैं ये हमें चाहिए थे। तो इसको हमने यूज स्टेट एक तरह से होता है कि लोकली हम रख लेते हैं इसके अंदर डेटा। सो एपीआई से जो भी डेटा हम कॉल करके मंगाते हैं वो अपने यूज स्टेट के अंदर रख लेते हैं। फिर उस यूज स्टेट के अंदर वेरिएबल के अंदर हम मैपिंग करते हैं। सो पहले तो चेक करते हैं कि जब तक डेटा की लेंथ ग्रेटर देन 0 ना हो जाए तब तक कि हमें मैप नहीं चलाना।
इनिशियली ये क्या रहता है, एक एम्प्टी रहता है, फिर जो जैसा मैंने ये एरे बना के दिखाया वैसा बन जाता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं इस टाइप के, ये सारे ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं यहाँ पे। सो इनको हम लूप चला के शो करा देते हैं मैपिंग के हिसाब से। तो इस तरह से ये हमारी लूपिंग अगर हमें करनी होती किसी भी डेटा के ऊपर, सो हम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बार बार करते हैं। जब भी हम लिस्टिंग शो करते हैं वहाँ पे हम लोग मैप चलाते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल गाइस।